बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं चढ़ गया हूँ तो रुकूंगा नहीं। हम लोग स्टेज पे आदमी हैं, जो भी कार्यक्रम है अपना चालू करिए। कहा होगा भाई लोग? ठीक बात होगा। जा तो लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाला से ईश्वर से ये कामना बा, ये प्रार्थना बा कि जवन भी काम करता है लोग, ऊपर वाला तुम लोग को सफल बनावे और एक दिन बहुत बड़ा स्टार बना लो। बहुत एकदम जहां जाए तो वहां भोजपुरी के झंडा गाड़ देवे, छोड़ेंगे नहीं थे। ठीक ना, कैसे कि कहा जाला कि निज भाषा उन्नति करे सब उन्नति के मूल। अपने भाषा का उन्नति होगा तो पूरे विश्व में हमारे भोजपुरी का एक ना एक दिन बनता बने। और थोड़ा सा हमें शासी शंकर फिल्म पिक्चर का शूट चल रहा था जौनपुर में, स्टंट का सीन चल रहा था, थोड़ा हमें चोट आ गया तो एक बार को मन आया कि चलने फिरने में परेशानी है, पैर में पट्टी लगा है, कह दी भाई साहब हो नहीं पा रहा है, डॉक्टर हमें बेड रेस्ट बोल दिया था कि आप बेड से उतरिएगा मत, इतना गंभीर चोट पाँव में और स्ट्रिचेज भी लगे हैं, टांके भी लगे हैं नीचे। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम ही ऐसा करेंगे, हमको चलना चाहिए और अपने भाइयों को बताना चाहिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो जीवन में कभी रुकना मत, चलते रहना, भले धीरे चलना लेकिन रुकना मत, एकदम धीरे चलना। लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, दौड़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम रुकना मत, कभी हताश नहीं होना, कभी निराश नहीं होना, बस चलते रहना, चलते रहना, क्योंकि चलते का नाम जिंदगी है, हमेशा चलते रहना मेरे भाइयों। दुनिया में जिंदगी में कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है, लाइफ स्ट्रगल, जब तक जीवन है संघर्ष रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और ये सोचिए कि पूरा जब तक जीवन रहेगा इस शरीर में, जब तक सांस रहेगा तब तक संघर्ष करना है, तब तक संघर्ष करना है। हम आज भी संघर्ष करते हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और आप लोगों को भी जीवन भर संघर्ष करना है, अपने भोजपुरी को, अपनी मातृभाषा को, अपने उत्तर प्रदेश बिहार को एक ना एक दिन पूरे भारत में सबसे नंबर वन इंडस्ट्री बनाना है भोजपुरी को। आप लोग हमारे भविष्य हैं, आप लोग हमारे भविष्य हैं। आप में से कोई एक दिन पवन सिंह बनेगा, आप में से कोई खेसारी लाल बनेगा, आप में से कोई नीतीश पांडे बनेगा, आप में से कोई रानी चटर्जी भिंडन संजना जी, जितने भी हमारे एक्ट्रेसेज हैं, पूनम जी, अच्छे अच्छे एक्ट्रेसेज, अच्छे अच्छे एक्टर, आप लोगों को हम लोगों से भी बड़ा होना है। आप लोगों को भोजपुरी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाना है, क्योंकि आने वाला भोजपुरी का समय है, आने वाला समय गुरु हमारा है। पूरे भारतवर्ष में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज हैं, रीजनल लैंग्वेजेस का, पंजाबी उठा लो, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सबसे ज्यादा दर्शक और श्रोता हमारे पास है, हमारे नियर अबाउट 36 to 38 करोड़। अपने क्षमता